नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक सिंह आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं माय इंडियन व्लॉग्स के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको लेकर चलेंगे माता चंद्रिका देवी धाम। माता चंद्रिका देवी धाम दोस्तों, ये वही धाम है जहां पर कई मान्यताएं हैं। यहां पर दोस्तों, यहां यह भी मान्यता है कि दक्ष प्रजापति के श्राप से प्रभावित चंद्रमा को श्राप मुक्ति इसी मही सागर संगम तीर्थ के जल में स्नान करने के लिए चंद्रिका देवी धाम में आना पड़ा था। दोस्तों, त्रेता युग में लक्ष्मणपुरी यानी लखनऊ, जो अभी लखनऊ है प्रेजेंट टाइम में, वो लक्ष्मणपुरी था, के अधिपति उर्मिला पुत्र चंद्रकेतु, जो लक्ष्मण जी के पुत्र थे, उनको चंद्रिका देवी धाम के इस वन क्षेत्र में अमावस्या की अर्धरात में जब उनको डर लगने लगा तो अपने माता द्वारा बताई गई नौ दुर्गाओं का स्मरण किया और उनकी आराधना की। तब चंद्रिका देवी की चंद्रिका का आभास से उनका सारा भय दूर हो गया था। दोस्तों, अगर आप ट्रेन से आते हैं तो जो है आप स्टेशन, ये बक्सी का तालाब स्टेशन है और यहाँ पर आप आ सकते हैं। यहाँ से आप जब आप उतरेंगे तो ये टेम्पो देख रहे हैं, टेम्पो लगे हुए हैं सारे। ये टेम्पो सारे वहाँ तक जाते हैं, माता चंद्रिका देवी धाम तक जाते हैं। ये मोड़ है माता चंद्रिका देवी धाम के लिए, ये मोड़ है, यहीं से आपको मुड़ना है और ठीक यहाँ से 9 या 10 किलोमीटर, मैक्सिमम 9 या 10 किलोमीटर के अंतराल पर आपको माता रानी का धाम मिल जाएगा। तो हम भी वही चल रहे हैं, तो चलो देखते हैं। दोस्तों, महाभारत काल में पांचों पांडव पुत्र द्रौपदी के साथ अपने वनवास के समय इस तीर्थ पर आए थे। महाराजा युधिष्ठिर ने भी जब अश्वमेघ यज्ञ कराया था, जिनका घोड़ा चंद्रिका देवी धाम के निकट राज्य के तत्कालीन राजा हंसध्वज द्वारा रोक लिया गया था, तो युधिष्ठिर जी की सेना ने उनसे युद्ध किया, जिसमें उनका पुत्र जो वहाँ के राजा थे, हंसध्वज के जो पुत्र थे सुरथ, वो उसमें सम्मिलित हुआ। लेकिन उनका दूसरा जो पुत्र था, जिसका नाम सुंधवा था, वो चंद्रिका देवी धाम में नौ दुर्गाओं की पूजा आराधना में लीन था, जो कि वहाँ उसमें युद्ध में अनुपस्थित ही था। तो इसी मही सागर क्षेत्र में जानते हैं उसके साथ क्या हुआ। दोस्तों, उसको खौलते तेल के कड़ाहे में डालकर उसकी परीक्षा ली गई। माता चंद्रिका देवी की कृपा से उसके शरीर पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, तभी से इस तीर्थ को सुंधवा कुंड भी कहा जाने लगा है। महाराजा युधिष्ठिर की सेना जो कटक थे यहाँ पर, जो यहाँ जो कटक कहलाते थे, महाराजा युधिष्ठिर की सेना में एक कटक जो है सेना थी, जो कि कटक कहलाई जाती थी, तो उन्होंने यहाँ पर वास किया था। दोस्तों, ये जो गाँव है, वहाँ जो पास में गाँव है, वो कटकवासा कहलाया जाने लगा था, जिसे आज के दौर में नाम परिवर्तन हो करके आज वो कठवारा कहा जाता है, जस्ट उसके बगल में ही है। दोस्तों, यही गांव वो कठवारा है जिसका हम अभी चर्चा किए थे आपसे, युधिष्ठिर की कटक सेना से रिलेटेड। दोस्तों, नौ दुर्गाओं की सिद्धिपीठ है चंद्रिका देवी धाम में, एक विशाल हवन कुंड है, यज्ञशाला है, चंद्रिका देवी जी का दरबार है, बर्बरीक द्वार है, सुंधवा कुंड है, मही सागर संगम तीर्थ का घाट आदि, मतलब आज भी दर्शनीय है। मैं आपको लेकर चल रहा हूँ, आपको सारी चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ ही नहीं, हिंदी साहित्य के इतिहास में भी इसे काफ़ी मान्यता दिया गया है। दोस्तों, जो इसके उपन्यास सम्राट स्वर्गीय अमृतलाल नागर जो थे, उन्होंने क्या किया कि अपने एक उपन्यास करवट में माता चंद्रिका देवी धाम की महिमा का बखान किया है। तो दोस्तों, हम चलते हैं, आपको एक एक चीज़ का यहाँ पर दर्शन कराते हैं और आप देखिए, और जो है आप एक बार जरूर आइए यहाँ पर माता देवी के, माता रानी के दर्शन करने के लिए। लो दोस्तों, बातों ही बातों में पता नहीं चला और हम पहुंच गए माता चंद्रिका देवी धाम। दोस्तों, सिर्फ 1200 मीटर की दूरी पर स्थित है माता चंद्रिका देवी का धाम। और मैं आपको बता दूं दोस्तों, यहां पर कंस्ट्रक्शन भी काफ़ी चल रहे हैं। सो दोस्तों, यहां पर बहुत सारी दुकानें हैं और स्वच्छता की दृष्टि से यहां पर कई शौचालय भी बनाए गए हैं। और जैसा कि देख रहे हैं, आपका ये कार पार्किंग है आपकी, और ये देखिए, ये शौचालय है, ये कई शौचालय यहाँ पर इसका निर्माण किया गया है कि किसी भी यात्री को यहाँ पर कोई असुविधा ना हो। और दोस्तों, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ की असुविधा है, वो असुविधा ये है कि यहाँ पर आपको एटीएम नहीं मिलेगा।
और यहाँ पर जो मतलब सुविधाएं ये हैं आपको, यहाँ पूरा जो है ये एरिया जो माता रानी के दरबार का एरिया है और जितनी दुकानें हैं वो आपको पॉलीथीन मुक्त मिलेंगी, पॉलीथीन मुक्त परिसर उसको घोषित किया गया है और कोशिश ये की जाती है कि इसमें पॉलीथीन का यूज़ ना हो। सो दोस्तों ये सारी दुकानें हैं, ये जो है यहाँ पर कई आपको दुकानें मिल जाएंगी जो छोटे बड़े खिलौने और बहुत सारी घर के सामान, घर के यूजेस की बहुत सारी सामान मिल जाएंगे यहाँ पर, कॉस्मेटिक के बहुत सारे सामान मिल जाएंगे यहाँ पर दोस्तों। और दोस्तों नाश्ता करने के लिए आपको यहाँ पर ठीक ठाक होटल मिलेंगे, यहाँ पर जो रेस्टोरेंट हैं यहाँ पर, जहाँ पर आप आराम से नाश्ता कर सकते हैं फैमिली के साथ। और दोस्तों ये कुछ प्रसाद के जो है ये स्टॉल भी हैं, बहुत सारे प्रसाद के स्टॉल हैं। वाटरप्रूफ परिसर है दोस्तों ये, जितना ये परिसर है अगर बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो इन्हीं जो ये स्टील के सिगजे हैं इसी के अंदर से वो भीड़ को कंट्रोल करते हैं, इसी में लाइन लगा के आपको आना पड़ता है दर्शन करने के लिए। जो ये तालाब है, इस तालाब में दोस्तों कभी भी पानी आज तक कभी भी नहीं सूखा है, चाहे जितना बड़ा सूखा पड़ जाए लेकिन इस तालाब में पानी ये भरा ही रहता है। अभी तो बरसात हुई है तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पानी भरा, चारों तरफ भरा हुआ है, अन्यथा ये सीढ़ियों पर पानी रहता है और बहुत ज़्यादा पानी रहता है दोस्तों। उसके लिए बैरिकेडिंग भी की गई है कि आदमी इसमें कोई डूबे ना, तो इसके लिए बैरिकेडिंग भी रहती है यहाँ पर, उससे आगे कोई ना जाए क्योंकि वो काफ़ी गहरा है इससे आगे। दोस्तों यह है भगवान शंकर की बहुत ही प्यारी मूर्ति दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बीच में स्थित है, इस कुंड के बीच में स्थित है, ये तालाब के बीच में स्थित है ये मूर्ति। और जैसा कि देख रहे हैं बहुत ही अद्भुत लगता है आना यहाँ पर और यहाँ के दर्शन करना। दोस्तों यहाँ मेले के टाइम पे तो बहुत 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 ज़्यादा जो है यहाँ पर भीड़ रहती है, जो पूर्णमासी का मेला होता है यहाँ पर, तो दोस्तों उस समय बहुत ज़्यादा भीड़ होती है मैं आपको बता दूँ। वैसे तो दर्शन करना है तो जाहिर सी बात है कि आप जैसे कि संडे है, मंडे है और सैटरडे है, इन तीन दिनों में तीन दिनों में और जो है बृहस्पतिवार को यहाँ पर जो है दुकानें खुलती हैं बहुत सारी और लोग भी काफ़ी आते हैं, बट जो अमावस्या का मेला होता है उस दिन बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। तो दोस्तों जो है अगर मेला देखना हो तो आप अमावस्या को आइए यहाँ पर, बहुत ही अच्छा लगेगा। और दोस्तों अब मैं हम आपको लेके चल रहे हैं माता रानी के दरबार में, जैसा कि आप देख रहे हैं दोस्तों यहाँ पर ये घंटियाँ बनी हुई हैं, इसके बाद में जब आप ये माता रानी का दरबार है जो कि पूरी तरीके से चांदी से जड़ित है और यहाँ पर शीश नमाने से या माता रानी के दर्शन करने से आपके सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। माता रानी आप लोगों सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रहे। दोस्तों ये शंकर जी की बगल में ही एक शिवलिंग है जहाँ पर आप दर्शन कर सकते हैं बाबा भोलेनाथ के भी। और इसके बाद में दोस्तों ये हमन कुंड है जिसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया कि ये अनंत हवन कुंड है, ये कब से ये प्रज्वलित है इसका कोई सही अनुमान नहीं है। तो दोस्तों ये था माँ चंद्रिका देवी का मंदिर, जहाँ का मैंने आपको हर एक जगह के बारे में मैंने आपको बता दिया है डिटेल में। दोस्तों एक यहाँ पर अच्छाई है कि यहाँ पर पॉलीथीन मुक्त है ये पूरा परिसर और साफ़ सफाई भी बहुत अच्छी है। और अगर बात किया जाए, हाँ दोस्तों एक थोड़ी सी कमी मुझे यहाँ पे नज़र आई, यहाँ पर ATM नहीं है। अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आपको ATM से बक्सी के तालाब या लखनऊ से आपको निकाल के लाना होगा। सो दोस्तों
थैंक यू मेरे चैनल पर आने के लिए, मेरा वीडियो देखने के लिए। और अगर आप चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो को और शेयर करें अपने दोस्तों से। दोस्तों आपका मुझे सपोर्ट चाहिए और जिसकी वजह से मैं अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपको बना करके दिखा पाऊँ। सो दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।